पता है, आज सुबह ना एक कॉल आया मेरे पास कि बेटा मैं आपके पापा का ना दोस्त बोल रहा हूँ, उन्होंने 15,000 रुपए डालने को बोला है आपके अकाउंट में। अरे फेक मैसेज होते हैं यार, ये फेक फ्रॉड कॉल होती हैं। ये पहले मैसेज भेज देते हैं, फिर कहते हैं ज्यादा पैसे आ गए, और फिर वापस मांगते हैं पैसे। तुमने तो नहीं ट्रांसफर कर दिए कहीं? पागल समझाए गए मुझे? मैं ऐसे जहाँ से मैं आने वाली लगती हूँ तुम्हें? समझ गई थी मैं पहले ही। चलो सही है, बच गई। पता नहीं लोगों को ऐसा फ्रॉड करते हुए क्या मिलता है यार, हद हो गई आजकल। अरे मेरे साथ खुद हुआ है ऐसा फ्रॉड। अच्छा, कब? तुमने कभी बताया नहीं। अरे कैसे बताता तुम अपने भाइयों को और पापा को, थोड़े ना कभी दोषी मानती। कितने पैसे लूट ले रहे तुम्हारे? पैसे ही थोड़े ना लूटता यार आदमी। अरे सुख चैन शांति भी तो कोई चीज होती है। लालच में आके ऐसे जहां से फंसता है आदमी। तुमने भी कोई लालच ही करा होगा। हाँ लालच तो किया था, हर कुंवारे लड़के को होता है वो लालच। वही लालच किया था मैंने भी। कुंवारा लड़का? शादी से पहले हुआ था तुम्हारे साथी वाला फ्रॉड? नहीं, पहले शादी हुई थी, फ्रॉड का पता कुछ दिनों बाद चला था। क्या बोले जा रहे हो तुम? कुआरा लड़का, फ्रॉड, समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं सुधरते हो? अभी भी वक्त है, अपना कैरेक्टर सुधार लो। कैसे? हर छोटी लड़की को अपनी बहन और हर बड़ी लड़की को अपनी माँ मानने लगो। नहीं मान सकता। क्यों? उससे मेरे पापा का कैरेक्टर नहीं बिगड़ जाएगा? तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुम उस जलेबी की तरह जो कभी भी सीधी नहीं हो सकती। अब दफा हो जाओ यहाँ से। हे, मैं क्या सोच रही थी, अब ना हम लोग को शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, ये मेरी पढ़ाई की उम्र है अभी। ओ, पढ़ाई की उम्र है। बताओ ना तुम क्या सोचते हो। कर लेंगे, शादी कर लेंगे, लेकिन एक वादा करो कि मेरी शादी के बाद, यानी कि हमारी शादी के बाद, हाँ, मेरी जिंदगी में जितने भी दुख होंगे वो सब तुम आधे आधे बांटोगी। डन। दुख बांटूंगी, पर तुम्हारी जिंदगी में कौन सा दुख है? ना ना, मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं है, मैं तो शादी के बाद के दुखों की बात कर रहा हूँ। अरे बहू, मेरा पैर दर्द ठीक नहीं हो रहा, मुझे डॉक्टर के दिखा ला बेटा। माँ जी, किस में ले जाऊँ, प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में? बात तो सही है। अरे बहू प्राइवेट में दिखा ला, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। माँ जी, प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब जमीन जायदाद सबका जाना तय है। तो सरकारी में दिखा ला। सरकारी हॉस्पिटल मतलब जान का जाना तय है। चलो ना माँ जी, दिखाई लाती हूँ। रहने दे, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। चलो ना माँ जी, दिखा लाऊं। बताऊं क्या तुझे मैं? तू मुझे निपटाने के चक्कर में है क्या? बहू ले बेटा, ये मेरा सूट सिल लेना, बढ़िया सा। क्यों नहीं? सूट? अरे मम्मी जी, मुझे कहाँ आता है सूट वूट सिलना कुछ। क्यों? जब तुझे देखने गए थे, जब तुमने बड़े बोला था मुझे सिलाई कढ़ाई बुनाई सब आती है। बात तो सही है। अच्छा, वो कढ़ाई सिलाई? बताओ। वो तो मैंने यहाँ आने के बाद ही दिमाग से निकाल दिया अपने। दिमाग से निकाल दी? वो कैसे? बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे आने के बाद आपने काम वाली बाई को निकाल दिया था। गजब बेइज्जती है। आ गई मम्मी जी। क्या बताया डॉक्टर ने? आ गई बेटा, डॉक्टर ने कहा हल्का खाना खाना। तो खिचड़ी बना दो आपके लिए। खिचड़ी कोई हल्की होती है बेटा? खिचड़ी मत बनाना, पकौड़े बना ला। पकौड़े? पकौड़े तो बहुत भारी होते हैं बेटा। तेल में तैरते हैं पकौड़े, और तैरने वाली चीज हल्की होती है हमेशा। पकौड़े बना ला, आलू के, गोभी के, पालक के, मटर के, पकौड़े बना ला बेटा। ठीक है।